नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरियाणवी एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल में। भाइयों, आज हम आपको बताएंगे दहिया फिल्म्स के मालिक कौन है, इसको कब बनाया गया और कुण पे धर्मे का नाटक दहिया फिल्म्स पर क्यों रिलीज किया गया। आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दरअसल बात 2003 की है, जब मुकेश दहिया ने अपनी अलग से म्यूजिक कंपनी यानी कि अपना नया चैनल बनाया जिसका नाम था दहिया म्यूजिक। और दहिया म्यूजिक पर उन्होंने बहुत से सीरियल भी निकाले और साथ साथ में हरियाणवी इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन सॉन्ग हट जाता पाछे ने भी दहिया म्यूजिक पर रिलीज किया। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मुकेश दहिया ने 2009 में दहिया म्यूजिक कंपनी के सारे कंटेंट बेच दिए और वो बिल्डर लाइन में काम करने लगे, प्लाट बेचने और खरीदने का। लेकिन कलाकारी उनके अंदर उबलती रही और 2015 में मुकेश दहिया ने बिल्डर लाइन छोड़कर हरियाणवी इंडस्ट्री में वापिस आ गए और फिर दहिया म्यूजिक का नाम बदलकर उन्होंने दहिया फिल्म्स रख लिया और फिर कुछ टाइम तक उन्होंने हिंदी लाइन में काम किया, लेकिन उनका मन हरियाणवी बोली में काम करने का था। और फिर मुकेश दहिया ने सोचा कि कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे वो समाज में नया संदेश दे सके और लोगों का मनोरंजन भी कर सके। और साल 2017 में दहिया फिल्म्स पर उन्होंने कुणबा धर्मे का नाटक शुरू किया जिस पर उनको अपार सफलता मिली। तो भाइयों, आपको न्यूज अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपसे जाने की अनुमति लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, लव यू ऑल।